तो फाइनली आज मैं अपने मॉड्स रील करना, जो कि एसएमपी मेरे को काफी ज्यादा मदद करते हैं। और हाँ, ये मॉड एसएमपी के साथ साथ पीपी में काफी ज्यादा मदद करते हैं, तो अगर आप लोगों को पीपी वाला मॉड चाहिए तो ये भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, हमारे चैनल वन के सब्सक्राइब बहुत ज्यादा पास है, तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं तो कर देना, मैं ऐसी वीडियोस और भी लेके आता रहूंगा। तो सबसे पहला मॉड है हमारे पास एप्पल स्किन। भाई ये वाला मॉड सबसे ज्यादा बेस्ट है एसएमपी पीपी दोनों के लिए। ये आपको ऐसे डायरेक्ट शो कर देता है कि आपका कितना सैचुरेशन, तो आप खाना खाके अपना सैचुरेशन भर सकते हो, और कभी भी आपकी अगर हेल्थ कम होगी तो वो सैचुरेशन फटाफट से आपकी हेल्थ को भर देगा। तो सेकंड वाला मॉड हमारे पास बूस्टेड ब्रांड। भाई ये वाला मॉड आपको रात और माइनिंग में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो देखो मैं भी माइनिंग में हूं, मतलब केव में हूं, और यहां पे देख सकते हो मुझे सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, मुझे कुछ भी यहां पे अंधेरा अंधेरा दिख रहा है इस मॉड के से। और हां, आगे वीडियो में एक मैंने एक और मॉड बताया, अगर आपने वो मॉड और ये मॉड एक साथ यूज किया ना भाई, फिर आप लोग एसएमपी में बहुत ज्यादा तबाही मचाने वाले हो। तो बढ़ते हैं तीसरे मॉड की तरफ, जो कि उन्होंने चैट हेड। भाई ये वाला मॉड एकदम सिंपल है, देखो किसी ने भी कुछ भी चैट में लिखा ना तो उसका हेड शो कर देगा और उसकी स्किन भी पता चल जाएगी। एक तरीके से आप उस प्लेयर का चेहरा याद रख सकते हो कि किसने क्या बोला है। तुम्हारा चौथा मॉड होने वाला है इलाइट्रा चेस्ट प्लेयर स्वैपर। तो ये वाला मॉड बहुत ज्यादा ओपी है देखो सर्वर्स के लिए। मेनली जैसे आपने यहाँ पे चेस्ट प्लेयर पहन रखी और आपका कहीं जाना है तो आप एक बटन दबाओगे, यहाँ पे इलाइट्रा आ जाएगा, और उसके जैसे आप पहुंच उस जगह पे उड़ उड़ के जो भी करना है उसके बाद आपको एक बटन और दबाना, आपका चेस्ट प्लेयर वापस आ जाएगा। इस मॉड से आप फाइट के बीच में से भाग। उसके बाद हमारा अगला मॉड है फेरिको। ये हमारी माइनक्राफ्ट की मेमोरी यूसेज को थोड़ा कम कर देता है। उसके बाद हमारा अगला मॉड है फ्री कैम। तो इस वाले मॉड को यूज करके आप लोग आराम से बेसिस और बाकी चीजें फाइंड कर सकते हो। और हाँ, इस मॉड के साथ बूस्टेड ब्राइटनेस को रखना भाई, जैसे आप एक बटन दबाओगे आपकी आत्मा आपके शरीर से बाहर निकल जाए, मेरा मतलब कि आप लोग यहाँ पे स्पेक्टेटर मोड में आ जाओगे। जैसे आप लोग यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो भाई, अपने कैरेक्टर को देख सकते हो, और नीचे जाके ना आप लोग किसी का बेस या फिर केव को पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो कि नीचे कुछ है कि नहीं है। और सारा काम करने के बाद आप लोग को बस वापस वाला बटन दबाना और आप लोग अपने कैरेक्टर के अंदर वापस आ जाओगे और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। हमारा अगला मॉड है इन्वेंट्री एचयूडी। भाई इस वाले मॉड के लिए अगर आप लोग पीवीपी करोगे ना तो आप लोग हारने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि देखो आप यहाँ से इसको कस्टमाइज कर सकते हो पहली बार, और यहाँ से आपको देख सकते हो कुछ भी आपको रहने होगा ना तो आप इसकी ड्यूरेबिलिटी दिखा देगा। उसके बाद आपका जो साइड में देख सकते हो कि यहाँ पे इन्वेंट्री भी दिखा रहे कि उसमें क्या क्या रखा हुआ है, और हाँ यहाँ पे अगर आप लोग कोई पोशन पियोगे तो यहाँ पे वो भी दिखा देगा। और अगर आप लोग चाहो तो इन चीज़ों को बड़ा भी छोटा भी कर सकते हो, जो कि मैं कहता हूँ ख्याल से छोटा ज़्यादा ठीक लगता है, बड़ा करने पर थोड़ा स्क्रीन घेरता है जो कि उतना अच्छा लगता भी नहीं है। इसके बाद अगला हमारा मॉड है आइटम फिजिक्स मॉड। ये आपके गेम प्ले के एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा बढ़िया कर देगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। कुछ भी चीज़ अगर आप ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे देखो किस तरह जा रहा है इसका एनिमेशन, और नीचे जाके ना एकदम अच्छे से प्लेस हो जाता है एक तरीके से, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई आर्मर कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है नीचे गिरने में। और हाँ, ये वाला जो मॉड है ये आपकी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा कम खाता है, तो आपके फोन में उतना ज़्यादा लैग भी नहीं करने वाला, और हाँ बहुत ज़्यादा बढ़िया भी लगता है ये। उसके बाद अपना अगला मॉड है लेजी डीएफ। तो ये आपके माइनक्राफ्ट को ओपन करने का जो टाइम होता है उसको काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है। तो अगला मॉड हमारा लिथियम। तो ये वाला मॉड काफ़ी ज़्यादा काम है सर्वर्स के लिए, तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला मॉड आपके माइनक्राफ्ट के टिक्स को काफ़ी ज़्यादा कम रखता है, तो मैं अगर आपको F3 दिखा के दिखाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे माइनक्राफ्ट के टिक्स 6, 7 या 11, 12 आ रहे हैं, जो कि नॉर्मल है। अगर आपके पास 100+ FPS है लेकिन फिर भी आपके माइनक्राफ्ट के टिक्स ज़्यादा है तो फिर भी आपका वर्ल्ड पूरा लैग करेगा, चाहे फार्म हो, चाहे एनिमल हो, चाहे विलेजर हो। तो अगला मॉड हमारा लॉजिकल जूम। तो ये वाला मॉड आपको यूज़ करने की जरूरत है अगर आप ऑप्टिफाइन है। मैं सोडियम यूज़ करता हूँ इसलिए वहाँ पे जूम नहीं होता, तो ये वाला यूज़ करना पड़ता है, जो कि सिंपल है, एक बटन दबाते ही आपका जूम यहाँ पर होना शुरू हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है, किसी भी दूर की चीज़ को देखने के लिए हेल्प करता है। अगला मॉड हमारा मॉड मेन्यू। तो ये वाली जो स्क्रीन देख रहे हो ये मॉड मेन्यू की वजह से ही है। अगर आप लोग को कहीं भी अपना कॉन्फिगर करना है किसी भी मॉड को तो आपको ये वाला मॉड यूज़ करना ही पड़ेगा। ये वाला आपके मॉड को इस तरह दिखा देते ताकि आपको पता लगे कि आपके गेम में कौन कौन से मॉड है। अगला मॉड है फॉस्फोरस। तो ये वाला मॉड हमारे गेम के लाइट इंजन को अच्छा कर देता है, जिसकी वजह से हमारे वर्ल्ड का जो जनरेशन टाइम होता है उसको और हमारे टिक्स को काफी ज्यादा कम कर देता है। तो अगला मॉड हमारा प्लेयर हेल्थ इंडिकेटर। तो ये आपको किसी भी प्लेयर की हेल्थ दिखा देता है, और हाँ ये सर्वर्स को ऐसे बैनेबल होता है, मतलब कहीं भी यूज करना अच्छा नहीं होता, लेकिन आप लोग इसको प्रैक्टिस में यूज कर सकते हो। तो रीप्ले मोड मैंने स्किप कर दिया क्योंकि इसके कारण किसको बताने की जरूरत नहीं, काफी ज्यादा फेमस है भाई, बेटर प्लेयर भी चाहते हैं कि उनकी गेम में। इसके बाद अगला हमारा मॉड है शल्कर बॉक्स टूल टिप। तो भाई ये वाला बहुत ज्यादा ओपी मॉड है सर्वर्स के लिए, तो लोग अपने साथ एक साथ काफी ज्यादा शल्कर रखते हैं और उनके अंदर बहुत ज्यादा कीमती सामान रखते हैं, लेकिन हाँ वो लोग भूल जाते हैं किसमें क्या रखा हुआ है, और इसके लिए वो लोग नीचे रख के एक बार देखते हैं और उनका चोर दोस्त लेकर भाग जाता है। ये वाला मॉड आपको काफी ज्यादा काम आएगा, आप इसको अपनी इन्वेंट्री में चेक कर सकते हो कि आपके शल्कर के अंदर क्या रखा हुआ है, बस आपको शिफ्ट दबाना है और यहाँ पे आपको सब कुछ दिखा देगा। तो अगला हमारा मॉड है सोडियम। तो पहले मैं ऑप्टिफाइन यूज करता था, लेकिन उसके साथ तो मेरे को लिथियम यूज करने में थोड़ी दिक्कत आई थी, इसलिए मैंने सोडियम डाउन कर दिया, क्योंकि सब एक ही फैमिली के हैं और सब कुछ बढ़िया चलता है, और सोडियम ऑप्टिफाइन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, फिर इसमें सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो सभी मॉड्स का नाम और जिस साइड से मैंने डाउनलोड किया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन, आप लोग जाकर आराम से डाउनलोड कर लेना। अभी तो आपका अगली वीडियो में, तब तक सबको नमस्कार।